एक व्यक्ति जो 5 फुट 5 इंच तक लंबा होने वाला है, वो 5 फुट 5 इंच तक ही बढ़ेगा, क्योंकि उसकी आनुवांशिक रचना ही ऐसी है। ज्यादा से ज्यादा कसरत करके, पुलअप करके, ये वो आसन करके 1 इंच बढ़ा सकता है शायद, लेकिन वो 6 फुट का तो कभी नहीं हो सकता। शारीरिक स्तर पर हमारी बहुत सीमाएं हैं। दूसरा, मानसिक स्तर पर हमारे पास बहुत आजादी है। ये फ्रीडम हमारे शारीरिक विकास में नहीं है। यदि आप किसान के बच्चे हो तो कोई चिंता नहीं है, आप PhD हो सकते हो। माता पिता से आनुवांशिक रूप में जो हमने विरासत में पाया है वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि वहां ज्यादा फ्रीडम है। लेकिन दिमाग पर थोड़ी बंदिशें भी होती हैं। हालांकि वहां पर ज्यादा फ्रीडम है, लेकिन सभी के पास आइंस्टीन की तरह विचार का तरीका, मानसिक गतिविधियां नहीं हो सकती। वहां पर भी सीमाएं हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार में सीमाएं हैं, लेकिन हमारी पूरी ताकत भौतिक संसार में लगी रहती है। ये सुधारना है, वो सुधारना है, ऐसा लगना है, वैसा दिखना है। हम इस तरह के कॉलेज और संस्थानों में जाते हैं मानसिक विकास के लिए। आध्यात्मिक रूप से हमने क्या किया अभी तक? आध्यात्मिकता में कोई रुकावट नहीं है। आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन वहां पर 1 मिनट का भी हम समय नहीं देते। जहां प्रगति की अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन वहां हमारा प्रयास न्यूनतम होता है, तो वहां खुशी कैसे हो सकती है? आप सफल हो सकते हैं, आप दूसरे स्टीव जॉब्स बन सकते हैं, लेकिन एक और आयाम है, आध्यात्मिक आयाम। उसके बगैर अपना जीवन अधूरा रहता है।